18 जुलाई 2024 और परभनी शहर के कलेक्ट्रेट ऑफिस में हम इस वक्त मौजूद है और यहाँ पर आने का जो खास मकसद है, बीते 2-3 दिनों से जो शर्मनाक घटना महाराष्ट्र में, जो फुले शाहू अंबेडकर का महाराष्ट्र जिसे कहा जाता है, जहाँ पर हर समाज के लोग मिलजुल के रहते हैं, ऐसे में कुछ जातिवादी शक्तियाँ, कुछ आतंकी जिन्होंने कोल्हापुर की मस्जिद में, गाजापुर कोल्हापुर जो कि जहाँ पर एक अतिक्रमण को हटाने के नाम पर कुछ गुंडों ने, कुछ आतंकियों ने मस्जिद पर हमला किया और गरीब मुसलमानों के घरों पर हमला किया और पूरी तरह से हथियारों के साथ, और सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक ये दंगाई वहाँ पर अपना नंगा नाच करते रहे। पुलिस प्रशासन, गृह मंत्रालय पूरी तरह से फेल नज़र आ रहा है। पूरे महाराष्ट्र से मुस्लिम समाज खासतौर पर और तमाम सेकुलर पार्टियाँ निवेदन दे रही है और कार्रवाई की मांग की जा रही है और उन दंगाइयों को फौरन अरेस्ट करने की मांग की जा रही है। ऐसा ही निवेदन परभनी में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साबिका सरचिटनीस तथा परभनी जिले के एकमेव मुस्लिम आमदार 80 के दशक में जो पब्लिक से चुनकर आए थे, मरहूम AR रहमान खान साहब, उनके फर्जन इरफानुर रहमान खान हमारे साथ है। वो आज कांग्रेस का एक डेलीगेशन लेकर परभनी कलेक्ट्रेट के जरिए से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को उन्होंने एक निवेदन दिया और कार्रवाई की मांग की है। बात करते हैं AR रहमान खान के फर्जंद इरफानुर रहमान खान साहब से। खान साहब, जो आज आपने निवेदन दिया है और कोल्हापुर की जो शर्मनाक घटना हुई है उस पर फौरी तौर पर कार्रवाई ग्राउंड पर नजर आनी चाहिए, उसको लेकर आज आपने निवेदन दिया है, क्या कहना चाहेंगे कि ये जो घटना हुई है इस पर फौरी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए? ये घटना जो हुई है ये दुर्भाग्यपूर्ण है और खास तौर पर महाराष्ट्र ये संतों का ये है, ये स्टेट है, यहाँ पर कभी भी इस किस्म की बातें नहीं हुई हमारे पास। हर जात के धर्म के लोग बहुत प्यार से मोहब्बत से रहने वाला स्टेट है और ये इस भूमि में इस किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं हुई। ये एक्टिविटी अक्सर अगर सुनने में आता था कि UP बिहार वगैरह में होता है, लेकिन महाराष्ट्र में इस तरह का नहीं हुआ। ये पहली घटना है जिससे आज दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी आज समझो हमको बहुत बुरा लग रहा और ख़ास तौर पर जो है गरीब मुस्लिम जो लोग थे उनका कोई वो बच्चे, जी हाँ औरतें, जी जी सही है, तो उनके औरतें और बच्चे उन पर जो जुल्म किया जबकि उनका कोई उसमें वो नहीं था। अगर तो और ये जो मामला जो मस्जिद के साथ तो एक धार्मिक स्थल पर जाके आप जो धन मचा रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वो बात हुई और इसका मेमोरेंडम हमने माननीय मुख्यमंत्री को जो है हमने मेमोरेंडम दिया है हमारे कलेक्टर माननीय कलेक्टर साहब के तरफ से और हम उनसे मांगनी की है कि ये जो हरकत उन्होंने जिन लोगों ने भी की है वो इन उन तमाम उन लोगों को आप फौरन एक्शन लीजिए और उनको जो है स्थानबद्ध कीजिए, ऐसी हमारी विनंती है। और साथ ही साथ ना वो ये इस तरह की घटना और कहीं नहीं होना चाहिए, इसका भी हमको लेना चाहिए क्योंकि महाराष्ट्र के अब आज जो है नौजवान एक किस्म के इस वाक़े से बहुत गुस्से में है और इस गुस्से को दूर करना ये शासन का काम है और ये नहीं तो ये चीज़ आगे चलकर बढ़ सकती है। इस वजह से मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और तमाम जिम्मेदार हैं, पुलिस के जिम्मेदार हैं, उनसे मैं विनंती करूंगा कि आप फौरन इसको जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए और उनके तरफ जो गलत हरकत किए उनको कार्रवाई कीजिए और जो गरीब लोग जिनका नुकसान खामखा किया गया उनकी नुकसान भरपाई गवर्नमेंट ने फौरन देना चाहिए, उनको रिलीफ फौरन पहुंचाना चाहिए, ऐसी मेरी सबसे विनती है। खान साहब, जैसे कि आज आपने निवेदन दिया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को, अगर ये दंगाई फौरी तौर पर इनको अरेस्ट नहीं होती या कार्रवाई जल्द से जल्द नहीं होती और नुकसान भरपाई जल्द से जल्द नहीं मिलती वहाँ के पीड़ितों को, तो अगला कदम आपका क्या रहेगा? इसमें तो यही कह सकते हैं हम कि शासन ने अगर निर्णय नहीं लिया दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, अगर ये लोग अरेस्ट नहीं हुए तो हम ये कहेंगे कि लोकशाही तरीके से हम उस पर प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी ने भी ये भी वो कहा कि आप डरो मत और नाइंसाफी के खिलाफ हमेशा लड़ो। तो जहां जहां जिस पर गरीब पर और जरा सब लोगों पर जो नाइंसाफी होगी उसके लिए हम जो है हर हमारे पदाधिकारी सब मिलकर लड़ेंगे और इसलिए हम इसलिए शासन को विनंती करते हैं कि इस पर फौरन जो है आप एक्शन लीजिए ताकि ये दंगाई आगे इस तरह की हरकत न कर सके। मैं यही उनसे मैं विनंती करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय गृह मंत्री और तमाम जो पुलिस के जिम्मेदार हैं उनको इसका कॉग्निशन लेना
बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरह का वाकया माहौल अगर वो हुआ तो कल इस माहौल को आगे बढ़ सकता है, ये इसको जो है लोगों में नफरत फैल सकती है, हमारी भाईचारगी खत्म हो सकती है, हमारा प्रेम और जो है जो महाराष्ट्र प्रेम वाला महाराष्ट्र है, संतों वाला महाराष्ट्र है, इसमें बिगाड़ आ सकता है। और हम कांग्रेसी होने के नाते हमारी ये विनंती है शासन से कि ये इस किस्म का कदम आप उठाइए, ताकि हमारी स्टेट को एक अमन और शांति वाला स्टेट बने और हम सब मिलके भाईचारे में रहे और प्यार मोहब्बत से रहे। मैं और एक मर्तबा हमारे तमाम सब कुछ जिम्मेदारों को विनती करता हूं, आप एक तरफ उनके तरफ एक्शन लीजिए गुंडों को, और दूसरी तरफ हमारे जो जिनको गरीब लोग थे बेचारे, सब जो गरीब लोग थे तो उनको जो नुकसान भरपाई फौरन को मिलना चाहिए। और खास तौर पे ये देखने में आया कि महिलाएं बच्चों उन पर जुल्म किया गया, उनकी क्या वजह है, इसमें क्या उसका हो सकता है, इस पर क्यों जुल्म किया गया, ये बड़ा अफसोसनाक बात है। तो इस तरह का हरकत नहीं होना चाहिए, और दूसरी कहीं पर भी इस तरह की अगर हरकत होंगे तो हम आगे लोकशाही मार्ग से उसका प्रोटेस्ट करेंगे। हमारे नेता हमेशा ये कह, राहुल गांधी ने हमेशा हमसे वो कहा कि डरो मत, और जहां जहां भी अन्याय होंगे हम पूरा खड़े रहेंगे, ये हम आपसे वादा करते। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हजम खान है, युवा नेता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस परभनी युवक बॉडी के शहर महासचिव है, और जो परभनी में 80 के दशक में पहले मुस्लिम आमदार, ऐसे परभनी के इतिहास के पहले मुस्लिम आमदार मरहूम एआर रहमान खान साहब, उनके पोते हैं इरफानुर रहमान खान, इनके फर्जंद है। वो आज का जो निवेदन दिया गया कोल्हापुर की जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, शर्मनाक घटना है, सवालिया निशान है पुलिस प्रशासन पर, महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर, और फौरी कार्रवाई की मांग हो रही है। आजम भाई, जो आज निवेदन दिया गया है, कौन कौन आज के निवेदन में मौजूद थे और क्या आपने मांग की है, और अगर कार्रवाई जल्द से जल्द नहीं हुई तो आगे अगला कदम क्या रहे? जो आज हमने निवेदन दिए है इरफानुर रहमान खान उनके नेतृत्व में निवेदन दिया गया है, साथ में हमारे वाजिद जागीरदार साहब जो हमारे प्रदेश के अल्पसंख्यक के सचिव है, कांग्रेस के आतिकुर रहमान साहब, साथ में मोइन मौली साहब माजी नगर सेवक, साथ में हमारे सत्तार पटेल साहब, मतीन भाई शहर अध्यक्ष माइनॉरिटी के कांग्रेस परभनी शहर के, और ऐसा तमाम कांग्रेस के जो लोग हैं, साथ ही साथ अलग दूसरे दूसरे संगठनों के भी लोग हैं साथ में जुड़े हुए, सबने मिलकर इरफानुर रहमान खान के नेतृत्व में ये हमने मेमोरेंडम निवेदन दिया है कि कोल्हापुर की जो घटना हुई है बहुत शर्मनाक घटना हुई है, उससे तमाम मुसलमान युवा मुसलमानों को बहुत बहुत दुख हुआ है, बहुत तकलीफ हुई है, तो उस तकलीफ़ में हम मुसलमानों की आवाज़ हमारी, जहां हम सीएम को बोल रहे हैं वाया कलेक्टर साहब के थ्रू हम निवेदन दिए हैं मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को कि आप स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, जो भी हम दंगाइयों जो दंगाई ने आतंकवादी कहूंगा मैं आतंकवादियों को, आप स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, क्योंकि वो मस्जिद में मदरसे में घुसकर जो हमला किए हैं जलाए हैं वो बहुत ही शर्मनाक घटना है। किसी भी धर्मस्थल हो, कोई भी धर्मस्थल, हर धर्म कहता है कि सच्चाई सफाई शांतता या कोई भी धर्म का प्रतीक होता है, किसी धर्म में ये नहीं सिखाता कि किसी दूसरे धर्म के लोगों को परेशान करे, उन पर कोई कार्रवाई करे या उनके खिलाफ कोई कुछ करे, कोई धर्म नहीं सिखाता। ये जो लोग है जिसने किया है वो कोई सी धर्म से ताल्लुक नहीं रखते, ये लोग है जो बिना धर्म है, और कैसे इनको इतनी खुली छूट मिल गई थी। अब जो भी लोग थे ये तो प्रशासन का काम है वो निकालना, वीडियोस वगैरह वायरल जो हुए हैं उनके जो देखना, देखकर उन पे इंक्वायरी करना, इंक्वायरी करके उनको अरेस्ट करना चाहिए, और जो भी नुकसान भरपाई जो लोग जो परेशान है, जिसके घर उजड़ गए, जिसको परेशानी हो गई है, नुकसानी का झेलना पड़ा, वो गरीब लोगों को सरकार की तरफ से कुछ फौरी तौर पर मदद देनी चाहिए, पैसों का इंतजाम करना चाहिए, जो भी चीज़ लग रही है उनको वो देना चाहिए। एक युवक कांग्रेस का वर्कर के नाते, एक मुस्लिम के नाते, परभणी शहर का नागरिक, भारतीय नागरिक के नाते, ये मेरा मुख्यमंत्री साहब से और डिप्टी सीएम से और वाया कलेक्टर के थ्रू हमने ये निवेदन दिया है। कार्रवाई जल्दी नहीं हुई तो अगला कदम क्या रहेगा? कार्रवाई अगर जल्दी नहीं हुई तो हम लोकशाही पद्धति से आंदोलन करेंगे, लोकशाही पद्धति से हम आंदोलन करेंगे, हमको जो भी करना पड़ा हम चाहते हैं कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई अगर जल्द से जल्द नहीं होती है तो जो भी लोकशाही पूर्ण मार्ग रहेगा उससे हम आंदोलन करेंगे, वो मार्ग पे हम गांधी जी का जो मार्ग है, जो हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी ने भी बोला है डरो मत, और जहाँ अपने को रोड पर आना है, हर जगह आना है, उसके लिए लोकशाही तरीके से हम तैयार है उसके लिए, और इंशाल्लाह वो करेंगे।